नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मौजूदा लॉकडाउन के साथ ही ये लॉकडाउन आगे कंटिन्यू करेगा और इस जो लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जा रहा है उसके गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी पिछले 6 दिनों तक जो स्थिति बनी हुई थी वो 3 मई तक अगली स्थिति बनी रहेगी। अभी भी वही नियम लागू रहेंगे। दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण दर है वो 30% से नीचे पहुंचा है। ये एक राहत की बात है कि दिल्ली में जो संक्रमण का दर था 30% लगातार ऊपर जा रहा था वो नीचे आया है। धीरे धीरे हमें कोशिश यही करनी है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस संक्रमण के दर को नीचे लेकर आना है। केंद्र सरकार की ओर से 490 टन ऑक्सीजन आवंटित किया गया है और आवंटित ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से दिल्ली को नहीं मिल रहा है। आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की टीमें इस वक्त मिलकर काम कर रही है। सप्लाई में जो भी दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर उसको दूर किया जाएगा। इस कठिन परिस्थिति में सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इतनी बड़ी इमरजेंसी में हम लोगों को जल्द से जल्द छुटकारा मिलेगा, ऐसी उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल सरकार को अस्पताल को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। इस मौके पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर दिल्ली की जनता के बारे में सोचना चाहिए। कोरोना महामारी ने केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेनकाब कर दिया है, इसलिए अगर केजरीवाल सरकार मंजूरी देती है तो दीनदयाल अस्पताल में अपनी तरफ से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने को तैयार हो ताकि दिल्ली की जनता को बचाया जा सके। ये प्लांट 200 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। केजरीवाल अगर इस मामले को स्वीकार कर लेते हैं तो वो अपने सांसद मत से ये पैसा आवंटित करेंगे। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का 460.40 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की मांग की है। मेयर जयप्रकाश ने कहा है कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द फंड जारी करती है तो डॉक्टर्स, नर्स और स्वच्छता कर्मचारियों का बकाया 2 महीने का वेतन दिया जा सकेगा। जयप्रकाश ने कहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली की सबसे बड़ी निकाय है जिसमें 6 जोन और 6 प्रमुख अस्पताल हैं जो शहर के करीब 70 लाख लोगों को सेवाएं देती हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंचों के द्वारा ये कहा गया है कि निगम वित्तीय संकट की स्थिति से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम शहर को साफ और स्वस्थ रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। उन्होंने कहा है कि हमारे कर्मचारी, विशेष रूप से चिकित्सा और स्वच्छता कर्मचारी, दिन रात कोरोना की रोकथाम के लिए काम में लगे हुए हैं। मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 शुरू हो चुका है। हमेशा नगर निगमों को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही अनुदान की राशि मिल जाती है, लेकिन पूरा अप्रैल निकल गया है, अभी तक हमारे को कोई अनुदान की राशि मिली नहीं है। दिल्ली सरकार से हमारे को 460 करोड़ रुपया अनुदान राशि का लेना है। इसके अलावा हमारा ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा अलग बनता है, हमारा बीटीए का 199 करोड़ रुपया, एजुकेशन का 169 करोड़ रुपया, हेल्थ का 38 करोड़ रुपया, यूडी सेक्टर का लगभग 55 करोड़ रुपया। अगर सबका टोटल करें तो 460 करोड़ से ज़्यादा बनता है और ट्रांसफर ड्यूटी भी जोड़ लें तो ये 500 करोड़ से ऊपर जाता है। मेरा फिर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, नगर निगम के सभी सैनिटरी वर्कर, जो सफाई कर्मचारी हैं, डीवीसी कर्मचारी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर, जन स्वास्थ्य विभाग के लोग जो शहर को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहे हैं, 2-2 अस्पताल हमारे कोविड डेडिकेटेड है। दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों के बाद स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए आपातकालीन संकट पैदा हो गया है। डॉक्टर तीमारदार हर कोई अपने मरीज की जान को बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस दिल्ली सदैव आपके साथ के दावे को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही है। दिल्ली के रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से
139 कोविड मरीजों की जिंदगी खतरे में आ गई। ऐसे में सरोज अस्पताल के ट्रस्टी और मैनेजमेंट ने प्रशांत विहार के एसएचओ से संपर्क किया। एसएचओ प्रवीण कुमार ने रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव पायल को तत्काल हालात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद डीसीपी प्रणव पायल ने एसएचओ प्रवीण कुमार को हर संभव मदद बगैर देरी किए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशांत विहार के एसएचओ ने ऑक्सीजन टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए सरज हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन टैंकर बड़ा होने के कारण हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं करवाया। इस पर हाइड्रोक्रेन और जेसीबी मंगवाकर अस्पताल का कुछ हिस्सा तोड़कर ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पताल के भीतर तक पहुंचाई गई। राजधानी दिल्ली में डीटीसी बसों में तैनात मार्शल सही से मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं डीटीसी बसों में कर्फ्यू पास के बिना एंट्री बैन है, लेकिन बसों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। किस तरह बस में प्रवेश दे रहे हैं, मेरा सवाल आपसे। कर्फ्यू पास ई पास जो गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, इमरजेंसी के लिए जो है उसको दे रहे हैं। आइए आप ये आपने देखा किस तरह दिल्ली ट्रांसपोर्ट यानी डीटीसी की तस्वीरें हैं। जो मार्शल तैनात है उसका प्रॉपर मास्क नहीं है, और साथ ही लोगों को इनके सिस्टम की वजह से भीड़ लगानी पड़ रही है, लगातार सामाजिक दूरी का नियम टूट रहा है। ऐसे में दिल्ली में लगातार बीते 3 दिनों से करीब 24,000 से ज्यादा के संक्रमण के मामले हैं, लेकिन लापरवाह दिल्ली। आपने देखा कि अभी तस्वीर में हमने दिखाया कि किस तरह मार्शल ने मास्क तो लगाया है, लेकिन वो मास्क आधे से ज्यादा नीचे है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में संक्रमण की चैन कैसे टूटेगी। सर, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हमारे को जी ड्यूटी के लिए आते हैं जी, आप तो जाते हैं, फिर जाने में बहुत दिक्कत होती है, कहते ये नहीं चलेगा, कंपनी ने बना के दिया हमारे को। आप किस में काम करते हैं? नटराज स्टेशनरी एल्बम की कंपनी है, कुंडली के अंदर। तो क्या ये एसएसएल सर्विस में? आज लिमिटेड कंपनी है जी। आपका जो काम है वो जरूरी सेवाओं में? जरूरी सेवा ही है। चलिए और बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? ब्रिजपाल। ब्रिजपाल जी, आज आप बाहर कैसे हैं? ये ड्यूटी जाना पड़ता है हमें। क्या काम करते हैं? ये एल्बम की कंपनी है। एल्बम किस तरह की एल्बम है? ये फोटो एल्बम स्टेशनरी में आती है। ये एसएसएनएल सर्विस में तो नहीं? नहीं जी, एसएसएनएल मतलब दिल्ली में लॉकडाउन कर रखा है, हरियाणा में कंपनी है, ड्यूटी तो जाना पड़ेगा हमें। जब फैक्ट्री खुली है तो ड्यूटी तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो झाड़ी काट लेंगे, क्या करें। चलिए, ये देखा दिल्ली वालों की एक समस्या और है कि वो रहते तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, और जो उनके काम करने की जगह है वो हरियाणा में है जो कि खुली हुई है। ऐसे में लोग दोहरी समस्या में है कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, दिल्ली का पालन करें या हरियाणा का पालन करें, लेकिन दोनों ही जगह का पालन करने में उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज इस तरह। बस दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी। लिस्ट जारी होते ही मरीजों के तीमारदारों का तांता लगना शुरू हो गया, लेकिन सभी को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। आज न्यूज वन इंडिया की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची तो जाना कि कहीं पर आउट ऑफ स्टॉक का पर्चा चिपका मिला है, तो कहीं टोकन मिलने के बाद भी लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने दिल्ली के लॉरेंस रोड का जायजा लिया, लेकिन यहां पर इंजेक्शन का स्टॉक मिला ही नहीं। मैं इस वक्त मोती नगर मिलन सिनेमा के पास में जो है वाइट फार्मा के नाम से जो लिस्ट एक गवर्नमेंट की तरफ से निकली थी, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है यहाँ पे इनको दिया जाना था,
यहाँ पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं शटर जो है इन्होंने बंद कर रखा है अपना, और यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लोगों के बकायदा टोकन काटे गए थे कल और परसों, और जिनको कहा गया था कि आप संडे को आइएगा, संडे को आपको यहाँ से जो है आपके जो इंजेक्शन है वो जरूर मिलेंगे। मेरा नाम राजेश है, मैं साउथ दिल्ली से यहाँ पे इंजेक्शन लेने के लिए आया हूँ, और कम से कम नहीं तो 10 जगह से मैं वापस होके आया हूँ, मेरे को कहीं टोकन नहीं मिल रहा है। फादर सैटरडे से एडमिट है और सीरियस है। कब आपने टोकन लिया था ये? मेरे को यहाँ पे टोकन मिला था, इन्होंने बोला था कि संडे को जो है हम दवाइयाँ बांटेंगे, पर आज के दिन कुछ नहीं हो रहा। सर आप यहीं से क्यों बंद करवा रहे हो वीडियो? आप उनको टोकन दिए हैं, उनको क्या बोला ये पूछिए उनसे। कह रहे हमें संडे को बोला था, संडे क्लोज रहता कल बोला हमने, परसों मंडे को जब भी स्टॉक आएगा। टोकन वाले वो कह रहे हैं संडे को हमें बोला गया था। सर अगर आज हमारे पास स्टॉक आएगा ना तो हम जरूर बांटेंगे, हम पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। रात को 2 बजे गए हम इनको बांट के। सर हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जी हमारी पब्लिक डीलिंग भी नहीं है, हम लोग हॉस्पिटल सप्लायर है, मगर यहाँ पे 500 आदमी आके खड़ा हो जाता है और हमारे पास ना स्टाफ है, बिना खाए पिए हम लोग इनको बिल्कुल सप्लाई कर रहे हैं, तरीके से टोकन बांट रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, मगर फिर भी लोग हमें खाने को हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के भी घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, और हम लोग मजबूरी से क्या शौक से तो आ नहीं रहा। सर तो हम अब हमारे पास मतलब राशन ही नहीं है खिलाने को, तो हम क्या खिलाएंगे, इसलिए टोकन बांट रहे हैं। ऐसी कुंडी खोल के खोल लिया। आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर, इनका कहना है, साथ ही स्टाफ का कहना है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, और जिनको टोकन दिए गए हैं उनको इंजेक्शन जरूर मिलेगा, जैसे ही आता है मिलेगा। आज संडे है, ऑफ भी होता है, और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आज ये जरूर स्टाफ आया हुआ है, अदरवाइज जो है यहाँ पर आज के दिन क्लोज रहता है, और जिनको भी टोकन मिले हैं उनको इंजेक्शन जरूर मिलेगा जैसे ही इनके पास आएगा। इनका साफ कहना है कि अगर दुकान में राशन ही नहीं है तो हम भी आगे कहाँ से इस राशन को बांटेंगे। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। मोती नगर मिलन सिनेमा के पास मौजूद है, और यहाँ पर जो वाइट फार्मा है यहाँ पर इंजेक्शन के टोकन बांटे गए थे, उसके बाद जो लोग यहाँ पे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं उनका कुछ आरोप है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पर अंदर बुला के जो है पीछे के रास्ते से इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। बात करते हैं उन्हीं लोगों से। मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है, मैं सिलमपुर से आया था कल भी यहाँ पे, कल मैं 6 बजे चला गया था, एक सरदार जी थे हमारे, मतलब सरदार जी थे वो मतलब पब्लिक में ही थे, तो कल वो हमारे से पीछे खड़े हुए थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी तो मेरे को कल वापसी भेज दिया इन्होंने। अब मैं आज आया तो सुबह वो मतलब एक तरह से इनके स्टाफ बन गए, वो स्टाफ मतलब पब्लिक से डील कर रहे हैं कि आज नहीं मिलेगा इंजेक्शन, कुछ नहीं होगा, मतलब ये मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि दूसरी बात सुनिए। फिर सुबह क्या हुआ कि वहाँ से वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे, चाबी मिली उनको, एक बंदा और था उनके साथ, मैं जानता नहीं हूँ उसको, वो अंदर घुसे, शटर गिराई एकदम से, फिर पीछे से पता नहीं कुछ थैले में पैकेट में लेके गए, आई डोंट नो क्या लेके गए, बट हमें पूरा शक है इस चीज़ का कि वहाँ पे कोई धानलेबाजी हुई है वहाँ पे। आप कब से यहाँ पर? मैं कल भी आया था और आज भी आया हूँ। कल इन्होंने मेरे को मेरा नंबर आ चुका था, इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, ये वाला पर्चा भी देखो, अंदर तो किसी को आने नहीं दे रहे, वो व्हाट्सएप कर रहे हैं, हम उसका प्रिंट आउट निकाल के लाए थे, उन्होंने नहीं, मेरे को जो है ओरिजिनली चाहिए, मैं यहाँ से वापस गया, ये ओरिजिनल पेपर लेके आया, तब तक फिर भी कोई नहीं, मेरे को 44 नंबर भी मिल गया। आप सोचिए मैं कब से खड़ा हूँगा, दूसरी बार भी मेरे को टोकन मिल गया आज के लिए। इन्होंने बोला कि जिनको टोकन मिल गया है संडे है, नए टोकन नहीं बांटेंगे, जो कल के टोकन है उनको देंगे। हम उम्मीद से आए हैं और डॉक्टर को भी बोल के आए हैं कि हाँ आज मिल जाएगा, अब यहाँ पे आके ये हालत है। आपका? सर मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से हूँ, मेरी मदर एडमिट है ICU में वहाँ पे, तो कल जब मैं आया यहाँ पे तो मुझे टोकन मिला, तो उन्होंने बोला आज 35 नंबर तक हम देंगे टोकन, मतलब उन लोगों को देंगे, और बाकी लोग कल आएगा, तो हमने बोला कल संडे है, तो बोले नहीं कल देंगे, कल 12 बजे के बाद आप आइएगा, कल आपको मिलेगा 100%, जिन लोगों को टोकन मिल गया उनको मिलेगा, नए टोकन नहीं देंगे। तो जिनके पास टोकन है सर वो आए हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं है, कल इनको नहीं पता था कल संडे है। आप कहाँ से? पीतमपुरा से जी। हाँ जी, ओनर बीमार है। ओनर जी, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? अब ये कह रहे, तो टोकन लेना आता यहाँ, तो लड़ू यहाँ से मिलेगा टोकन, तो मिला नहीं यहाँ पे नहीं, वो कह रहे जो सैटरडे के उनको मिलेगा अब, और हमको तो आप कहाँ से? हाँ जी, द्वारका मोड़ से सर। क्या कह रहे हैं आपको? कल टोकन दिया था इन्होंने, तो कल फिर कहने लगे ये 35 तक जो टोकन है वही उन्हीं को मिलेगा, बाकी जो है कल सुबह कल 12 बजे के बाद आइएगा। अब आपके सामने ही है जो इन्होंने कहा है, लीजिए। यहाँ पर जो लोग हैं दो दो तीन तीन दिन से जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और बकायदा टोकन उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर जो है इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। लगातार लोग जो है दिल्ली में परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी ब्लैक मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है, इस तरह के आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो इस बात पर भी सरकार को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी उचित करनी चाहिए। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।
दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अतुल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने दो तस्करों को पकड़ा है जिनके पास से शराब की 6 पेटी मिली है और एक मारुति कार को बरामद किया गया है। दोनों से पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी शराब को दिल्ली में सप्लाई करने के लिए हरियाणा से लाते थे। पुलिस के मुखबिर ने एससी मनोज धारीवाल को सूचित किया था कि इलाके में अवैध शराब की आपूर्ति करने के लिए दो शख्स हरियाणा से एक मारुति इको कार में आएंगे, लेकिन पार्टी को देखकर कार के चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके से दबोच लिया। कहते हैं कठिन परिस्थितियों में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है, लेकिन अब आपको जो खबर हम दिखा रहे हैं उसमें ना तो पड़ोसी काम आया और ना कोई अपना काम आई, तो सिर्फ दिल्ली पुलिस। दिल्ली के सराय रोहिला जिले के शास्त्री नगर इलाके का ही मामला है, जहां पर सराय रोहिला पुलिस को एक परिवार से सूचना मिली थी कि उनके यहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और उनके यहां पर कोई पुरुष नहीं, जिस वजह से उन्हें पुलिस की मदद चाहिए। सूचना मिलते ही सराय रोहिला थाने के एटीओ जितेंद्र तिवारी, हेड कांस्टेबल पुष्कर, कांस्टेबल नवनीत मौके पर पहुंचे। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उनकी मदद की और बुजुर्ग महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया, जिसके बाद उन्हें आदर्श नगर निगम के बोध घाट पर ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार कराया गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने फिर से साबित किया है कि वो दिल की पुलिस है। कोरोना के दूसरी लहर के बेहिसाब कहर के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू जैसे जीवन रक्षक दवाओं की डिमांड काफी बढ़ रही है, जिससे काला बाजारी और जमाखोरी भी शुरू हो गई है। इसको लेकर नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने केंद्र और राज्य सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पम्मा ने कहा है कि एक और लोगों को हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर और बेड नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी ओर दवाइयों की कालाबाजारी इन लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जो दवाइयां 600 की हैं वो 6000 में बिक रही हैं। यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर का बुरा हाल है, मगर सरकार ऐसे जमाखोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। सिंह पम्मा, अध्यक्ष नेशनल अकाली दल, जिस प्रकार दिल्ली के हालात हैं आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली जो है इस टाइम किस हालात से गुजर रही है। एक तरफ तो हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही, ना ही कहीं पर ऑक्सीजन मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ दवाइयों की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। जो दवाइयां 600 रुपए की थी वो 6000 रुपए की बिक रही हैं, जो दवाइयां 250 की थी वो ये समझ लो 2500 से 3000 रुपए तक की बिक रही हैं, और कई दवाइयां तो कई इंजेक्शन तो 30-40 हजार रुपए तक पहुंच गए हैं, मगर सरकार उनको रोकने में नाकाम साबित हो रही है, सरकार उन पे लगाम नहीं लगा पा रही। मेरा यही कहना है ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर करे, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ तो लोग अगली खबर भिंड से है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू में बाजार बंद कराने को लेकर हंगामा हुआ है। बाजार बंद कराने को लेकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया है। यहां पर दुकान बंद कराने गई महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की गई है। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।